गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, लास्ट वीक हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था। आज हम उस चैप्टर की क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या रीड किया था। एक तो हमने कंप्यूटर सिस्टम रीड किया था, कंप्यूटर के पार्ट्स रीड किए थे। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो मैं बताऊँ आपको कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ओके, ये मेन पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अब भी देखिए, हमने ये मेन पार्ट्स तो पढ़े हैं, इसके बाद हमने क्या अदर्स पार्ट्स, जो और एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जिनकी हमें नीड होती है, वो भी हमने रीड करे थे। तो देखिए, अदर पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स थे। प्रिंटर, प्रिंटर किसके लिए यूज़ करते हैं हम, प्रिंट करने के लिए। स्पीकर, हमें वॉइस सुनने के लिए। हेडफोन, ओके, ये दोनों हमारे लिसनिंग म्यूजिक या लिसनिंग वॉइस ये सब करने के लिए यूज़ होता है। यस, नेक्स्ट पार्ट था इसका यूपीएस। यूपीएस किसके लिए होता था, अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो उसके लिए टेम्परेरी उसको पावर सप्लाई देने के लिए यूपीएस यूज़ किया जाता है। यूपीएस एज ए बैटरी वर्क करता है और ये इसलिए कनेक्ट करते हैं यूपीएस को कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद डिलीट ना कर दे, यानी हम सेव कर सकते हैं उस फाइल को इतने टाइम के लिए, यानी सम टाइम के लिए ही चलता है, इतना ज़्यादा बैटरी नहीं होती है। ओनली 15 या तो हाफ एन आवर अगर बैकअप अच्छा है तो इसके लिए यूज़ होता है यूपीएस। इसके बाद आता है स्कैनर। जैसे अभी हमने कोई फाइल है, अभी हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो गई है, उसका हमारे पास हार्ड कॉपी प्रिंट आउट है, तो हम क्या करते हैं उसको स्कैन करवा देते हैं। इस मशीन के थ्रू उसको स्कैन करती है और ये मशीन क्या करती है, टेक्स्ट और पिक्चर सबको स्कैन कर लेती है और उसको किस में कर देती है, स्टोर सीपीयू में। सीपीयू में स्टोर इन द सेंस हमें मॉनिटर पर शो हो जाता है, ओके। तो इसका भी एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, इसको ओपन करने के बाद ही हम क्या करते हैं उसके प्रोग्राम को एक्सेस करके और फिर अपनी फाइल को स्कैन कर सकते हैं। तो ये सारा हमने चैप्टर में रीड करा था, अब इससे रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज आपको MCQs, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स करवाऊंगी, ओके बेटा। यस, आप सब अपनी बुक में इनको फिल करना और इनको अच्छे से रीड करना है, ओके। यस, आज डेट क्या है, टुडे डेट इज 27, 2020, ओके। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट, यानी कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। तो थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट थिंक, सेकंड डू कैलकुलेशन, थर्ड सेव वर्क। तो बताइए क्या नहीं कर सकता, डू कैलकुलेशन कर सकता है कंप्यूटर, सेव वर्क भी कर सकता है, जो हम फाइलें स्टोर करते हैं उन्हें सेव कर सकता है। थिंक, क्या थिंक कर सकता है, नो, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मॉनिटर के पास, वो कंप्यूटर के पास अपनी कोई थिंकिंग नहीं होती, यानी वो अपने आप सेल्फ कोई भी वर्क नहीं कर सकता जब तक हम उसे इंस्ट्रक्ट ना करें। तो इसमें फर्स्ट में क्या आएगा बेटा, थिंक, THINK, थिंक, ओके बेटा। नेक्स्ट, सेकंड, ब्लैंक हैज इन प्लेइंग गेम एंड ड्राइंग पिक्चर। अब देखिए, हम प्लेइंग गेम और ड्राइंग पिक्चर किसकी हेल्प से करते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड से तो पर हम क्या देते हैं, टेक्स्ट देते हैं, नंबर्स को टाइप करते हैं। स्कैनर, स्कैनर से क्या करते हैं, हम पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। माउस, माउस से क्या करते हैं, हम कर्सर को मूव करते हैं ना, तो हम इससे क्या करते हैं, क्लिक करके गेम प्ले करते हैं। और ड्राइंग भी इसी की हेल्प से करते हैं, जैसे हमें कोई सर्किल बनाना है तो हम शेप में से सर्किल को सेलेक्ट करते हैं और उस सर्किल पर क्लिक करके उसको ड्रैग करके अपनी जहाँ पर ड्राइंग एरिया है उस पर क्लिक कर देते हैं, वहाँ लाकर, तो वहाँ से क्या हो जाता है, वो सर्किल बन जाता है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, माउस, MOUSE, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैंक इज यूज्ड
टू पुट योर पिक्चर इनटू द कंप्यूटर। अभी हमारे पास एक फाइल है और उसमें पिक्चर्स भी हैं और टेक्स्ट भी है, तो हम उसे किसकी हेल्प से अपने सिस्टम में पुट करेंगे? देखिए, फर्स्ट सीपीयू, नो, बिकॉज सीपीयू तो क्या है, सीपीयू तो फाइलों को स्टोर रखता है, हमारी जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी हम फंक्शंस करवाना चाहते हैं वो सब वो करता है। यूपीएस क्या करता है, पावर सप्लाई देता है उसे, तो ये यूपीएस भी नहीं हो सकता। स्कैनर, मैंने आपको बताया था ना, स्कैनर क्या वर्क करता है, पिक्चर्स और टेक्स्ट को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर करता है, तो इसमें आंसर क्या आएगा बेटा, स्कैनर, SCANNER, स्कैनर। नेक्स्ट, फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेकेंड एक्सरसाइज क्या है अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, यस। क्वेश्चन फर्स्ट, अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड, मैंने आपको जब कीबोर्ड रीड करवाया था तो मैंने बताया था कंप्यूटर वो कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कीज, तो इसमें क्या आएगा बेटा फर्स्ट में, KEYES, कीज। नेक्स्ट, ब्लैंक इज नाउ एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यस, जैसे हमारा एक ह्यूमन बॉडी में एक ब्रेन होता है, उसकी हेल्प से वो क्या करता है, सारा वर्क अटेंड करता है, थिंकिंग करता है, कंट्रोल करता है अपने बॉडी पार्ट्स को, उसी तरह कंप्यूटर के पास भी क्या होता है, अपना एक ब्रेन होता है, और वो ब्रेन कौन होता है उसका, CPU, CPU, CPU। नेक्स्ट, ए ब्लैंक हेल्प्स यू टू टेक प्रिंट आउट ऑफ योर वर्क, यस, जो भी हमने अपना वर्क करा है वो किसकी हेल्प से हमें प्रिंट आउट देता है, प्रिंटर, और प्रिंटर कौन सा आउटपुट देता है हमें, हार्ड कॉपी आउटपुट, बिकॉज हम उस प्रिंट आउट को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, लेकिन जो मॉनिटर है वो हमारा कैसा आउटपुट देता है, वो देता है हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, तो इसमें क्या आएगा बेटा, प्रिंटर। PRINTER, प्रिंटर। नेक्स्ट, अ ब्लैंक इज़ यूज टू पुट योर पिक्चर इनटू द कंप्यूटर। अभी हमने MCQs में भी रीड करा था, क्वेश्चन सॉल्व करा था कि हमारी कंप्यूटर में पिक्चर्स और टेक्स्ट को कौन इनटू करता है, यानी कौन उसमें भेजता है, किसकी हेल्प से करते हैं, स्कैनर, किसकी हेल्प से, स्कैनर, SCANNER, स्कैनर, ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए, हमें ये स्टेटमेंट चेक करने हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट, UPS स्टैंड फॉर अल्टीमेट पावर सप्लाई, UPS की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्टीमेट पावर सप्लाई, क्या ये होती है क्या बेटा, नो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ UPS की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्या होती है बेटा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो सेंटेंस क्या है ये, ट्रू है फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ, फॉल्स। नेक्स्ट, स्पीकर्स आर यूज टू लिसन रिकॉर्डेड सॉन्ग, स्पीकर रिकॉर्डेड सॉन्ग को भी लिसनिंग करवा सकता है, और हम जो अगर ऑनलाइन हम किसी सॉन्ग को सुनना चाहते हैं या मूवीज़ देखना चाहते हैं तो उनको भी उनकी भी साउंड हमें सुनाई देती है, स्पीकर की हेल्प से हम सुन सकते हैं, तो ये यहाँ क्या आएगा बेटा, ट्रू। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फर्स्ट सेंटेंस ही क्या था हमारा चैप्टर का, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो इसमें क्या आएगा बेटा, ट्रू। नेक्स्ट, अ स्कैनर डिस्प्ले द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर, जो स्कैनर है, हमने जो भी वर्क करा है क्या उसको हमें
डिस्प्ले करता है? नो, हमें डिस्प्ले कौन करता है वर्क? मॉनिटर, जो भी हम वर्क करते हैं वो सारा कौन डिस्प्ले करता है? मॉनिटर। तो इसमें क्या आएगा बेटा? फॉल्स। ओके बेटा, ये आपको मैंने 3 एक्सरसाइज करवाई हैं, आप इन्हें अपनी बुक में फिल करनी है आपको, और आपको फिलअप्स और ट्रू फॉल्स अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।